तो नवादा से निकलने के बाद यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बोला जाता है पथरा इंग्लिश गांव है। यहाँ पे देख सकते हैं फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन बिल्कुल जोरों शोरों से चल रहा है। हेलो भाई लोग, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग भी बिल्कुल बढ़िया होंगे, मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो मैंने बहुत सारे टॉपिक सर्च किए, बट यहाँ पे मैंने देखा कि मतलब इस NH31 के जो 4 लेन है उसको कोई अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसको आज अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाए और बताया जाए कि कहाँ से कितना मतलब अभी तक काम हुआ है और कैसा इसका आगे का प्रोग्राम है, क्या इसका डेडलाइन रखा गया है। तो चलिए आज सब कुछ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और तो भाई, जो इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो मेरे साथ आज एक भैया भी जा रहे हैं, उनका भी एक चैनल है, तो चलिए आगे उनसे भी मिलाऊंगा। चलिए इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। भाई लोग, NH31 जो 4 लेन में चेंज हो रहा है उसको दिखाने के लिए मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे निकला था और यहाँ से मैं बिहार शरीफ तक कवर करने वाला हूँ। तो नवादा से निकलने के बाद यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बोला जाता है पथरा इंग्लिश गांव है। यहाँ पे देख सकते हैं फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन बिल्कुल जोरों शोरों से चल रहा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे भी ढलाई का भी काम चल रहा है साथ में। तो यहाँ पे भी फर्स्ट मतलब नवादा के बाद जब इधर ITI के बाद आप पढ़ते थे, यहाँ पे फर्स्ट आपको फ्लाईओवर देखने को मिल जाता है। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जोरों शोरों से काम लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरे साथ कुछ यहाँ पे लोकल आदमी है, तो उनसे मैं कुछ पूछताछ करने वाला हूँ और इस प्रोजेक्ट के बारे में पूछता हूँ कि उनका क्या रहा है इनके बारे में। तो चाचा, सबसे पहले आप बताइए कि मतलब आप इससे खुश है ना, जो काम ये हो रहा है? बिल्कुल खुश है ना? तो मतलब अगर ये नहीं था तो इससे क्या परेशानी होता था पहले? बहुत रोड जाम चलता था, पार होने में दिक्कत होता था, आधा घंटा रोड पर खड़ा रहा होता नहीं पाता था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मतलब चाचा लोग जो बाबा है बता रहे हैं कि बहुत पहले यहाँ पे ट्रैफिक का प्रॉब्लम था, एक्सीडेंट का प्रॉब्लम था, तो इसी के कारण ये लोग बहुत खुश है ग्रामीण लोकल। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे का क्या अपडेट है आप लोग के साथ शेयर करें। भाई लोग, आप देख सकते हैं मैं अभी फिलहाल आ गया हूँ नवादा से, मतलब बिहार शरीफ के लिए यहाँ पे कवरेज के लिए चला था। तो मैं सेकेंड जो यहाँ पे फ्लाईओवर बन रहा है ये है ग्राम ओढ़नपुर के पास। तो पहला मैंने आपको इसके पहले ने देखा होगा और यहाँ पे दूसरा मैं दिखा रहा हूँ ओढ़नपुर के पास ये फ्लाईओवर। तो ये लगभग बनकर रेडी हो चुका है, बस इसके ऊपर से ढलाई होगा बस और ये फ्लाईओवर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं और आगे का क्या अपडेट है आप लोग को दिखाते हैं। तो भाई लोग, आप देख सकते हैं मैं थर्ड जो यहाँ पे एलिवेटेड फ्लाईओवर ये है खराट मोड़ के पास, जो कि नवादा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि जो तीसरा चरण का जो यहाँ पे मतलब 4 लेन का काम होने वाला है, खराट मोड़ से बख्तियारपुर तक जाने वाला है। और यहाँ का फ्लाईओवर जो है काफी मतलब बड़ा है और जस्ट लाइक मतलब आपको सद्भावना चौक पे ऐसा फ्लाईओवर देखने को मिलेगा। तो चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दिया, थोड़ा सा बैक कैमरे से आपको सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं। और यहाँ पे एक सर्विसिंग रोड भी नीचे से रहने वाला है, तो चलिए सब कुछ आपको दिखाते हैं। अभी आप लोग को दिख रहा होगा ये फ्लाईओवर है मतलब, और इसके ऊपर से मतलब जो रोड जो निकलने वाला है तो उसके लिए जो काम हो देख सकते हैं उधर होके पड़ा हुआ है, मतलब जो ढलाई होके रखा हुआ है और जस्ट उसके ऊपर वो पड़ने वाला है। उसके बाद ये मतलब फ्लाईओवर पूरे तरह से रेडी हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ से आप बारसलीगंज के लिए भी जा सकते हैं और ये रोड सीधा बारसलीगंज, तो ऊपर से NH इसका नाम चेंज होकर NH20 हो गया और उसके बाद ऊपर से NH20 निकल जाएगा और नीचे से बारसलीगंज के लिए जो रोड रहेगा वो होने वाला है। तो चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं भाई ब्लॉग में, आप लोग कंटिन्यू बने रहे। भाई लोग, आप देख सकते हो हालांकि मैं गिरियक में सोचा था कि कुछ आपको दिखाने वाला हूँ, बट वहाँ पे कुछ वैसा दिखाने लायक था ही नहीं, बट घर वर वैसे ही टूटा उठा है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं यहाँ पे क्या दिखाया जाए आपको। तो जस्ट मैं गिरियक से आगे जैसे बढ़ा तो देख सकते हैं जो 4 लेन का NH31 जो NH20 में चेंज होने वाला है उसका सारा मटेरियल का पार्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब रेडी किया जाता है। यहीं के बाद सारे जगह ट्रांसफर करके उसे यूज किया जाता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं गिट्टी हो, जो भी हो, सीमेंट हो, सब यहाँ पे बहुत जो मतलब प्लांट एक तरह से बैठा गया है आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं और चलते हैं बिहार शरीफ के साइड और देखते हैं आगे का क्या अपडेट है। फिलहाल मेरे साथ रोशन भी है, तो चलते हैं दोनों भाई साथ में आ जाए। तो अकेले मन नहीं लगा था, सोच बोले इनको चलिए साथ में, तो ये भी साथ में है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। भाई लोग, आपने जैसा वीडियो में इधर देखा होगा पीछे देखा होगा, तो मैंने सब कुछ बताने के लिए आपको नवादा से बिहार से तक बहुत भाई लोगों ने अपडेट मांगा था, तो मैंने सोचा कि एक ब्लॉग बनाया जाए और आप लोगों को अपडेट किया जाए कि आखिरकार NH31 जो NH20 में चेंज हो रहा है उसका आखिरकार क्या समस्या अपडेट है। तो मैंने जहाँ तक नवादा से बिहार से तक हुआ यहाँ कवर किया, तो मैंने देखा 3 जगह मैंने एलिवेटेड फ्लाईओवर बन रहा है। और मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोर्ट के बाद बख्तियारपुर तक तीसरे चरण में होने वाला है, तो मैंने देखा कि अब तक इसके आगे कुछ काम ऐसा हुआ ही नहीं है। आप लोग को डायरेक्ट बिहार से यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे अभी कुछ वैसा काम नहीं दिख रहा है, और अगर इन फ्यूचर यहाँ पे होता तो यहाँ पे मेरे हिसाब से फ्लाईओवर जरूर होगा, क्योंकि ये काफी बिजी रोड है और चौक भी है। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं, आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, सारे अपडेट आपको मिल गया होगा। ऐसे भी इंटरेस्टिंग ब्लॉग आगे भी आता रहेगा, तो चैनल पे जो लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक श्री को जय हिंद, वंदे मातरम।